आज तो मेरा ये प्रेस वार्ता ये उसका खास मुद्दा जो है, जो विशाखा में जो प्रकरण हुआ था, जो 30 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें कुछ ऐसे बातें आई तो मुझे मजबूर होकर के कुछ उसका मुझे स्पष्टीकरण देना जरूरी हो गया। उसके लिए मैं एक नोट बनाया है जिसमें सारे, जैसे कि 5 बार मुलजिम ने उसकी जांच को बदला और मुलजिम वहाँ हाई कोर्ट में गया उसको FIR रिक्वेस्ट करने के लिए और अरेस्ट बचे नहीं, वो भी उसकी हाई कोर्ट ने नहीं माना और उसके बाद में फिर कुछ मिल करके 6ठी बार एक इंस्पेक्टर को दी, जो जो एक जांच तो पहले जो एक SHO DYSP SHO दोषी हुई थी उसको कोशिश कर रहे थे कि उसको जांच को गोल मोल करके उसको किया जाए, और जो मैंने लिख के दिया है कि जब DYSP और SHO ने अगर उसको उलझे माना है अटेम्प्ट टू मर्डर 307 लगाया है तो उसको वो कोशिश कर रहा था कि इसको रोड एक्सीडेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर उसके बाद में मैंने मुझे मजबूर होकर के एडिशनल जी जो PK सिंह है उनसे बात हुई और मैंने कहा ये कैसे हो सकता कि एक इंस्पेक्टर जो पुरानी उसने माना कि गलती हुई और उन्होंने बाद में SHO एक जांच दी है वो चल रही है और उसको उसके लिए एक बार मैं ज़रूर कुछ लोग इकट्ठे हुए, खास करके जब वो बीरमा राम एक साल 1.5 साल के बाद में जिसकी इंजरी लगी थी हेड इंजरी उसी की वजह से जो डेथ हुई तो लोगों में कुछ आक्रोश हुआ, उसके लिए मैं जरूर एक ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन ये मेरा था 5 अक्टूबर को और उसमें मैंने कहा कि भी इसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो उस जब मैंने दिया उसी वक्त उन्हें 2 दिन के अंदर जांच बदल दी थी, ये 15-20 अक्टूबर की बात है, पुरानी बात नहीं है। और वो होने के बाद में फिर जब हमने 23 तारीख को उन्होंने कुछ कई लोगों ने कहा कि यहाँ बड़ी सबकबाजी है, कहीं तंग कर रहे हैं, तो कुछ लोग युवा इकट्ठे हो गए 23 तारीख को, तो उसमें उन्होंने वही बात रखी, कई सब समाज के आए थे उन्होंने रखी कि साहब ये कोशिश कर रहे हैं, कि उनका ये मुद्दा था कि पहले 6 कोर्ट ने और 5 ने जब दिए हैं उसको अगर चेंज करें, उनका एक दर्द था कि ये कहीं गड़बड़ नहीं कर। तो उसके बावजूद मैंने 9 अक्टूबर को वहाँ हमारी BJP की बैठक थी वहाँ इसमें अलवर में, तो मेरा वहाँ गृहमंत्री से मिलना हुआ और मैंने कहा गृहमंत्री जी मैंने आज तक कोई आपको आयु चेंज नहीं किया, मैं 3.5 साल से दूँ तो नहीं है पीछा आप कहिए। उसके बाद में इनके कोई रिश्तेदार गए 11 अक्टूबर को और जब गृहमंत्री ने देखा कि 5 बार और कोर्ट ने इसको माना है अटेम्प्ट टू मर्डर, ये कैसे इसको चेंज कर रहे हैं, उनको भी हैरानगी हुई। फिर उन्होंने मेरे ख्याल में मुझे पता नहीं कुछ सूत्रों से पता लगा है उन्होंने उसको जो क्राइम ब्रांच को लिखा कि ये क्या कर रहा, अब जांच है प्रोग्रेस में है और उम्मीद है कि इसमें इंसाफ मिलेगा। मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो जिस तरह से 30 तारीख को इकट्ठे हुए थे, ये कौन थे, किसकी पैरवी कर रहे थे, बार बार नाम ले रहे थे, कभी आनंद पाल सिंह का, कभी जुतर सिंह का और उसके साथ में तेजदान का भी, अगर पैरवी कोई अच्छे लोग करते, मंच अलग होता तो अच्छा रहता। तो ये सामंतवाद जो जिस तरह से है पश्चिम राजस्थान में ज़्यादा है और कई जगह है राजस्थान में, उनसे मैं तो जब से पहले फौज में था और उसके बाद में 20-25 साल से मैं एक्टिव राजनीति में यहाँ हूँ, 4 बार सांसद, एक बार विधायक और जब रामनियो जी लड़े तो उस वक्त भी यहाँ मैं छुट्टी में आया था, तो उनसे अभी भी लड़ रहे हैं। उनकी जो भाषाओं से आप कर सकते हो, मैं उनकी भाषा की नहीं बराबरी नहीं कर सकता हूँ, उस तरह से नहीं बोलूँगा, पर तो कुछ मुद्दे जो हैं जिस तरह उन्होंने किया है उसमें मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूँगा। उसमें जो एक बात उन्होंने कही कि साहब 30-35 हज़ार भीड़ थी, वो 3 आपको उससे पता है वो थे 3-4 हज़ार थे और उसके अंदर कई वक्ता थे, उसमें एक अपने श्री देवल साहब थे, वो मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, वो बार बार मेरा नाम ले रहे थे, यहाँ भी लिया वहाँ जब गए वहाँ भी नाम दिया और उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो मुझे उससे उम्मीद नहीं थी।
और इसलिए इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ, और जो उनकी भीड़ थी अगर आप देखा हो तो सिर्फ बाड़मेर की नहीं थी, गुजरात से आए थे, जैसलमेर से जोधपुर से, मुझे यहाँ तक कहा कि बाखासर पट्टी में कौड़ी वगैरह रहते हैं उनको 300-300 रुपये देकर भाड़े से गाड़ी करके जाएंगे, जबकि हमारी जो 23 तारीख की थी ये प्रमचू थी, एकदम से उनकी थी और उनकी पीड़ित पीड़ित थी इसलिए वहाँ आए थे। और उन्होंने खिलाफ मेरी तो की, उन्होंने मुख्यमंत्री जी भी खिलाफ की, उन्होंने गृह मंत्री जी भी खिलाफ की। अब गृह मंत्री विधानसभा क्या बोलता है, और वो जो बाहर से आया हुआ था यहाँ नेता बना हुआ, जो करनी सेना का कुछ फर्जी है, अंदर से कैसे बना दिया कैसे बनाया, वो गृह मंत्री के बारे में बोलता है, गृह मंत्री को बोलना नहीं आता है, कभी 302 कभी 307। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि गृह मंत्री को कहना चाहिए था नो कॉमेंट्स, वो समझना चाहिए ये समझा ये। और मुख्यमंत्री के बारे में भी, सरकार के बारे में कहा मैं हटा दूंगा कर दूंगा। मेरे ख्याल में वो कुछ अपनी औकात से बाहर बात कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग जो यहाँ हम कुल मिला करके यहाँ बाड़मेर देश में शांति प्रिय है, परंतु ये कुछ यहाँ पर उग्रवाद फैला रहे हैं। विजयदशमी भी क्या यहाँ आए थे अगर याद हो आपको, ये आया था वहाँ आगे भाले निकाल रहे हैं, तलवारें निकाल रहे हैं और कहते हैं कि वो हमारे हम पेन से काम नहीं होगा तो हम तलवार से काम कराएंगे। अरे आज़ादी को आज 70 साल हो गए और उसमें अभी अभी आप इस तरह की भाषा काम देते हो। मैं तो गृह मंत्री को मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देता हूँ, और वो ऐसे बोलने के बाद भी आप बड़े बड़े शांति प्रिय हैं, परंतु मेरे ख्याल में मैं मुख्यमंत्री से मिलूँगा। इस तरह से अगर लोगों को रोका नहीं गया तो ये बात आगे बढ़ सकती है। ये मैं बहुत शांति प्रिय हूँ, पर जब अन्याय होगा उसका होगा तो मैं उसका मुकाबला करूँगा। मैं आज तक यहाँ पहुँचा हूँ इसी बात में, मैं कई लोगों से लड़ा हूँ और हार भी हुई थी। पहले कर्णी सेना का था वो लोकल नर्सिंग काल की, मुझे लगता है कर्णी सेना का पहले वो अध्यक्ष थे, उसको हटा करके ये बन गया और इसी आदमी को आगे ज़्यादा करेगा तो नुकसान होगा। देवल साहब ने कहा कि जसवंत सिंह जी के सामने कल साहब लड़े थे, हाँ मैं जसवंत सिंह के सामने लड़ा था, मैं एक नेशनल पार्टी से लड़ा था, कई लोग गए तो बीजेपी वो आज वहाँ राज कर रही, आप कहाँ से लड़े थे? आप उसी पार्टी से लड़े जिस पार्टी ने आपको 8-9 बार मैं 8 साल जसवंत सिंह के साथ रहा। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं। मैं चाहूँगा भगवान करे उनकी जल्दी ठीक हो, पर जो हकीकत जो है तो है। जसवंत सिंह मेरे सामने खड़े हो, मुझे ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, उनको उनके रिश्तेदारों ने बाध्य किया, उनको वहाँ दो जगह से टिकट मिल रही थी, कहीं से ले सकते थे, चित्तौड़ ले सकते थे, वो वहाँ से दूसरी जगह पर जोधपुर से ले सकते थे। तो उसके वो तो खैर अलग उनका वक्त मामला है, मैं उस बात पर नहीं जाऊँगा। मेरा खास यही है कि जिस तरह से ये किया है वो ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए सेठदान जो बोला कुछ कैसा, मुझे 28 वोट मिले दिए, मैंने वहाँ मेरे से जगह मांगी मीटिंग करने की, दी दी तेरी औकात क्या है मेरे को रोकने, 600 पंचायतें हैं, मैंने जितने बार रोज घूमता था मैं जाके पीछे करता था, बड़ा भविष्य आदमी है, मैं तो अगर चाहूँगा तो उसको बहुत कुछ उसके क्या खिलाफ़ है वो तो मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि उनको सुधर जाना चाहिए। और इस तरह से आप ये जो बैठक की 30 तारीख की, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किया वो ठीक नहीं हुआ है। और मैं अब जैसे अभी मैंने कहा दोहराता हूँ कि मैं ये जो मेरा किसी जाति विशेष नहीं, हालांकि उसने जाति विशेष कलर दिया उन्होंने कहा, देवल क्या बोला है कि मेरा रिश्ता पुराना है पर्टिकुलर जाति को बोला, वो ठीक नहीं है। मैं 36 4 बार सांसद बना हूँ, मैं कोई एक जात से नहीं बना हूँ, मुझे 36 जातों ने मदद की तब बना हूँ, अभी बना हूँ, इसलिए मैं तो उनके लिए करना चाहता हूँ।
कोई दूसरी जात का, अब ये ठीक है आप जाट था ये नहीं, मैं दूसरी मेघवाड़ों के दिए पड़े पता हूँ। मेरे SP साहब से कई बार मेरी जिले हुई है, कुछ यहाँ सहमत हैं वो केस करते हैं। आप पिछले 3 साल के आंकड़े लेके देख लो यहाँ बाड़मेर के अंदर, आपको लगेगा किस जात इस वर्ग ने किया जो भी है हमने, तो इसलिए वो ठीक नहीं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ शांति पर रहें, और वहाँ से आया है और यहाँ आकर के विजयदशमी में किया, अभी किया। पर मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि अगर इस तरह से अरोड़ा करेगा, करनी से नहीं बनाई है, मुझे मजबूर होकर कुछ सेना बनाने, चाहे विशाल सेना हो चाहे तेजस सेना हो, और उसको घर से वहाँ से मैं समझा दूँ, मेरे वहाँ भी जहाँ रहता है ना वहाँ भी मेरे शांति में कार्यकर्ता किसान रहते हैं। आप किसी को इतना दबाओ मत, इतने से बोलो मत, क्या बोलता है यहाँ पर पुलिस के बारे में क्या बोला है आपको पता है? जो मेरे साथ जो कुत्ते हैं, हमें ऐसा शब्द कोई मतलब जो बड़ा मैं कहता हूँ जो वहाँ कोई काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उसने एक बार पुलिस के बारे में कहे ठुल्ले हैं, और उसमें वो केस हुए उसके खिलाफ, और आखिर में वो माफी मांग के टूटा हुआ। यहाँ मुझे पता नहीं किसी पुलिस वाले किसी को अभी तक हिम्मत नहीं हुई है, तुमको कुत्ता कहा है और तुम अभी तक चुपचाप बैठे सहन कर रहे हो मेरे ख्याल में, तो इसको ये कोई भी इंसान इस तरह से वहाँ से, इसलिए ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ आप इस तरह से मत करो। दूसरे मेरे आदमी हैं, दूसरे हैं, और दूसरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसने एक OBC की बात की, दूसरी बात कुछ और इस तरह से बातें की जो आरक्षण की बात की, हम आरक्षण जो मिला है उसको हमने कोई किसी से कायदे से मिला है, सब अभी भी मांग रहे हैं, कई और भी जाते मांग रही है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ सरकार यहाँ कांग्रेस की थी, वहाँ सरकार BJP की थी, अटल बिहारी जी मुख्यमंत्री थे, मैं प्रधानमंत्री थे, मैं सांसद था। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उस इंसान को अटल बिहारी वाजपेयी जो आज तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने उनको दी, उसके बाद में फिर यहाँ जग मार करके कांग्रेस की पार्टी ने यहाँ पर दिया है, ये सही हकीकत है। जब वो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री जी ने अपने एक प्रक्रिया के तौर दिया है, उसको आप चैलेंज करते हो, आप गाली निकालते हो, आप किसी मांगो अपना हक, अगर वाजिब है तो मैं तो कहूँगा आपके साथ में, तो हम खड़े रहेंगे कंधे से कंधे रहेंगे। तो इसलिए दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ जो जो बोला है एनकाउंटर के बारे में, एनकाउंटर एनकाउंटर की बात की, अनंत पाल सिंह की बात की, अभी कोई हुआ है हाँ वो उनकी भी हाँ की, अब ये इनका क्या इतिहास है, क्या करते हैं, किस तरह से हुए हैं, CBI को इंक्वायरी दी है, CBI की इंक्वायरी जो दी गई है ये मुझे पता है, इन्होंने CBI क्या है, वो भी पुलिस है राजस्थान में, क्या है पुलिस है, और BJP के कुछ विधायक और कुछ दूसरे बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ वक्त आएगा दूंगा, उनने मैडम को वसुंधरा जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो आज 5 बार MP रही है, वहाँ मंत्री रही है, बहुत अच्छा काम किया, मैं सांसद था अलग दूसरे पार्टी में था, 2 बार मुख्यमंत्री है, उनकी उनकी जो 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 उनकी जो क्या कहना चाहिए वो उनकी जो साख है, जो उनकी जो जिस तरह से वो काम कर रही है वो उनको भाग नहीं रहा है, उनको अच्छा काम कर रही है, और मैं कहता हूँ फिर वापिस आएगी। पर ये जरूर मैं मुख्यमंत्री से मिलकर कहूँगा, मैं साहब ये जिस तरह से ये होता है, देर इज ए रिएक्शन टू एवरी एक्शन, ये सब तरह घूम घूम के इस तरह से गंदगी फैला रहा है, आपको गाली निकालता है, सरकार को गाली निकालता है, पुलिस को गाली निकालता है, मेरे को भी तो कहता क्या बात करता है मेरे बारे में, आप बोला आपने सुना है मेरे बारे में क्या बोला, मेरे बारे में उसने कहा, मैंने सुना उसको आप भी सुन लेना, उसने कहा जो तुतर सिंह का केस हुआ है वो MP के इशारों से उसका बढ़ रहा है, बहुत गंभीर, मैं एक जिम्मेवार आदमी हूँ, कहाँ कहाँ रहा हुआ उसको पता है, मेरे भी इस तरह से बोल बोल के चला गया, मैं उसकी तहकीकात करा रहा हूँ, लीगल ओपिनियन ले रहा हूँ, और उसके खिलाफ जरूरत पड़े तो मान आने का दावा ठोकूंगा, और उसको बताऊँगा तुम कैसे
तेरे को बोलने को सिखाऊंगा, इसे गाली गलौज बंद करें वो। और इस तरह से इसका मुझे पता लगा कि जब आनंदपाल सिंह का केस हुआ था तो वह तभी इसने कर मेरे ख्याल वहाँ माफी फाप के छूटा है, तो इसलिए छूट गया, तो इसलिए यहाँ आके यहाँ रोड़ा करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं इस मौके में यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो गंदे शब्द बोलते हैं सबके बारे में, जो हेट्रेड पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे समाजों को आपस में लड़ा रहे हैं, पश्चिम पाकिस्तान आप देखो आज तक हमारे शांति पर रहे हैं, ठीक है छोटे मोटे होते रहते हैं, तो इस तरह से जो मुद्दे हैं उसमें मैं ना लोकल पुलिस की बात कर रहा हूँ, पुलिस जो है ठीक है खड़े सब काम कर रहते हैं, मैं कभी किसी ज़्यादा गफड़े में बढ़ता नहीं हूँ। हाँ मैं देखता हूँ कई बार ठीक नहीं है वो करता, कई बार एसपी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने ये आप जो है ये ठीक नहीं, उन्होंने ठीक किया है, मैंने ऊपर बात की। आज मैंने गृह मंत्री के उस सीएम से कभी आज तक इंक्वायरी चेंज नहीं कराई, अपना आप काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, ठीक काम नहीं होते हैं कुछ भी, हम जाकर एसपी के जाए चाहे कोई भी हो उनको सीएम को बताते हैं, गृह मंत्री को बताते हैं, हमको बताते हैं, वो भी जनता के लिए, हम जनता के लिए, अगर उसमें देखते हैं कई बार भेदभाव करते हैं, मैं देखता हूँ कुछ थानेदार हैं यहाँ से हटाए गए, बिल्कुल अच्छा काम उनका नहीं था पर कुल मिला के अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें कोई इसलिए ये मैं बात कर रहा हूँ एनक्वायरी की। तो मैं ज़्यादा काफ़ी मैंने आपको काफ़ी बात बता दी, और मैं तो आखिर में आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रकरण हुआ है ये वीरमा राम जी का, उसने बहुत सफ़र किया, उसके बच्चा ने आज बच्चा उसका 10th में था, वो बच्चा छोड़ चुका है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, मैं वहाँ देखने गया था तो हमको तो बहुत हालत ख़राब है, गरीब है बहुत, बाखासर पट्टी में वहाँ कुछ सामंत है वो जगह है, पहले आपको याद हो तो बहुत पहले एक बार हुआ था लीलाधर का, लीलाराम मेघवाल का केस हुआ था, मैं सांसद था, युद्धाराम वगैरह वहाँ गए थे कलेक्टर के पास, मैं उनके केस के अंदर गया, तो मुझे कहा कि साहब ये तो बीजेपी का है उपाध्यक्ष है, युद्धाराम मेघवाल के साथ क्यों गए, मैंने कहा बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है, इंसाफ की है, बेईमानी की है, बेईमानी उसके क्या थी आपको, उसकी बेईमानी उसे यही थी कि उसके मेघवाल के घर में तो ऊँट या गाय पड़ गई उनकी सामंतों की, उन्होंने कहा मेरी गाय को क्यों भगाया, मेरे ऊँट को क्यों भगाया, वहाँ भी उसके बाप को वहाँ उल्टा टांग के तंग किया, उनका वहाँ तक मन नहीं भरा, बेचारे मजदूरी से वापिस गुजरात से आ रहे थे, उसको खाता के अंदर अंधेरा था, रात को पग मार मार करके फेंक दिया, एक मर गया बेचारे दो, उसको भी उस टाइम बचाने की कोशिश की, और मैं और हाजी साहब थे, हमने मिल करके उसको हमने जेल दिलाई, और मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होगा उसे मिलेगा, इन्होंने 30 तारीख को किया है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा तो जो आनंदपाल और तुतर सिंह इन सब के लिए ये सब वही है पैरवी कर रहे हैं, इसे साबित होता है कि ये मैं तो नहीं कहूँगा तेज दाम क्या है, इसका आप हिस्ट्री देखो पीछे, इसकी भाई की हिस्ट्री देखो, 2-3 केसों को उन्होंने अंदर डाल मार कर अंदर डाल दिया, बाद में राजीनामा करा दिया गया, वो हम ज़्यादा आज नहीं कहना चाहते हैं, जरूर पड़े तो हम वो भी ला करके उनको दिखा देंगे, क्योंकि जब अपनी कानून प्रक्रिया अपनी सीख चल रही है, परंतु तो उम्मीद है कि जो 30 तारीख को जिस तरह से इन्होंने इकट्ठे होकर के एक प्रभाव डाला प्रशासन के ऊपर, और जिस तरह पुलिस में भी डाला है, प्रशासन में डाला है, मुख्यमंत्री में डाला है, उससे मेरे ख्याल में वो इसके प्रभाव नहीं आएंगे और ईमानदारी से इसकी मिलेगी, ये मुझे पूरी